तो फिर क्यों बिना मतलब रिलीजन को इस वीडियो में डाला? श्री राम और रामायण ये हमारे पूर्वज है, हमारा इतिहास है। क्या पता कोई क्रिएटर कंट्रोवर्सी के चक्कर में व्यूज पाने के लिए रिलीजन को बीच में घुसा दे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जरूरत क्या थी इस क्लिप को बीच में डालने की? क्या सच में कैरेमिनाटी ने श्री राम या फिर हिंदू धर्म का अपमान किया है? नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा, धीरे धीरे हर टाइप के लोग यहाँ आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को ऑफेंड करके अपना काम चलाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पर ऑफेंड हो जाते हैं। और आज के दिन जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जिस पे सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है, जिस पे सबसे ज्यादा बहस होती है, जिस पे दुनिया जहान के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो टॉपिक है रिलीजन। अगर और डायरेक्टली कहूँ तो सनातन धर्म, क्योंकि अब तो मुझे लगता है बताने की जरूरत भी नहीं है। पिछले दिनों में ना जाने कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना है, चाहे वो सेंट मेरी स्कूल वाला रामलीला वाला केस हो या फिर एम्स के रामलीला वाला केस हो या फिर कश्मीर का वो केस हो जिसमें आईडी देकर लोगों को मारा गया था या फिर बात हो बांग्लादेशी हिंदुओं की। ऐसे न जाने कितने एग्जांपल्स आज हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि जितना टारगेट और जितना एक्सपेरिमेंट इस रिलीजन पे किया जाता है उतना शायद कहीं और नहीं किया जाता। और फिर से हिंदू धर्म से रिलेटेड एक मामला सामने आया है जिसमें सवाल उठा है इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरेमिनाटी पर। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने वीडियो में भगवान श्री राम और अन्य भगवानों का अपमान किया है। क्या सच में कैरेमिनाटी ने श्री राम या फिर हिंदू धर्म का अपमान किया है, या फिर हम सच में कैंसिल कल्चर को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं? पूरी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं ऋषिता और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, कैरेमिनाटी की एक नई वीडियो आई है जिसमें उन्होंने यूट्यूब पे कुछ बात कही है, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बात कही है। वीडियो में एक ऐसा सीन आ जाता है जिसमें भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के किरदार निभाने वाले लोग वहाँ दिखाई देते हैं। लोग बताते हैं कि सेट पर उनकी शूटिंग का टाइम हो चुका है। आप एक बार क्लिप जरूर देखिए। आती है तो मेरी थूथ क्या देख रहे हो? अभी जाओ और हाय, इनका अभी शूट चल रहा है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हमारा सेशन बुक है मैम, सेट नंबर 1। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। पैकिंग कर चुका है, डिफरेंस है सर। वन मोर। Dude, dude, sorry, no photos, no videos. Ma'am, आप ना ज़्यादा चढ़ो मत। मेरा फोन मेरी मर्जी कैसे इस्तेमाल करूं? ओए, जी भाई, मत कर। भाई पर बाहर। कोई बात नहीं मैम, अब सेट का पता कर लो, हम यहीं हैं। That was What are you doing later? अरे यार कर ले, 9:30 बजे स्ट्रीम है। दोस्तों, लोग इस पर नाराज है कि इसमें भगवान राम और अन्य भगवानों का अपमान हुआ है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? दोस्तों, मेरा मानना है इसमें अपमान हुआ भी है और नहीं भी हुआ। आप अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप खुद कंक्लूड कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों अपमान नहीं हुआ है। पहली बात तो ये, भगवान श्री राम का कहीं इसमें अपमान नहीं हुआ है। जो व्यक्ति उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उल्टा वो हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले करने वाले व्यक्ति को ये समझा रहा था कि औरत के सामने तेज बात नहीं करते, उल्टा वो कैरेक्टर उसे रोक रहा था। तो भगवान श्री राम के अपमान जैसे तो कोई बात है ही नहीं। दूसरी बात, कुछ का मानना है कि श्री राम का तो नहीं लेकिन हनुमान जी का यहाँ अपमान जरूर हुआ है। वो सेल्फी लेते हुए दिखाए गए हैं, औरत से बुरी तरह बात करते हुए दिखाए गए हैं। मेरी बात प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हनुमान जी नहीं थे, यहाँ तो हनुमान जी कैरेक्टर प्ले करने वाला व्यक्ति भी नहीं था, यहाँ बस एक आर्टिस्ट था जिसने हनुमान जी का गेटअप लिया हुआ था। सुनकर आपके मन में कई सवाल आए होंगे। आपके मन में सवाल आया होगा तो सेंट मेरी स्कूल में क्या हुआ था, एम्स में क्या हुआ था, वहां भी तो खुद भगवान थोड़ी आए थे, वहां भी लोग उनका कैरेक्टर प्ले ही तो कर रहे थे। तो फिर उस पर मैंने ये बात क्यों नहीं कही? तब मैंने ये क्यों नहीं कहा कि ये बच्चे असल में भगवान थोड़ी है तो बस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है। कैरेमिनाटी की वीडियो में जो लोग भगवानों का गेटअप लेकर आए थे वो लोग वहां शूटिंग के लिए आए थे, अभी तक उनका शूट शुरू नहीं हुआ था, वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थे। अगर शूट शुरू होने के बाद तो भगवानों का कैरेक्टर अपना लेते, उनके रोल्स में घुस जाते, फिर ऐसी बचकानी हरकतें करते तो ये जरूर एक अपमान का मामला होता। उस समय हमारा ऑफेंड होना जरूरी था क्योंकि वो सच में भगवान को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में अभी तो कोई शूटिंग शुरू नहीं हुई है, वो लोग बस उनका गेटअप लिया हुआ है। वैसा सेंट मेरी के स्टूडेंट्स और एम के स्टूडेंट्स में क्या हुआ था? उन लोगों ने कहा था ऑफिशियली हम रामलीला को दिखाएंगे। अब रामलीला को दिखाएंगे तो यह साफ समझ आता है कि जो लोग प्ले कर रहे हैं भगवान राम को दिखा रहे हैं, माँ सीता को दिखा रहे हैं, हनुमान जी को दिखा रहे हैं। जब उनका प्ले शुरू हो चुका है तब वो ऐसे घटिया घटिया बातें करते हैं, तब वो भगवानों का अपमान है। इस वक्त वो भगवान के कैरेक्टर को दिखाने के बजाय उसे भद्दा बना रहे थे, खुद को लेकर आए थे कि हाँ हम श्री राम को दिखाने आए हैं। बल्कि कैरेमिनाटी वीडियो में अभी तक उनका रोल शुरू भी नहीं हुआ था, बस इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थे, कोई शूट उनका नहीं चल रहा था। तो स्टूडेंट्स की ऐसी बचकानी हरकतें देखकर वो किसी भी एंगल से रामलीला नहीं लग रही थी, उल्टा वो बस एक अपमान था। दूसरी तरफ कैरेमिनाटी वीडियो में ऐसा नहीं था कि रामायण चल रही थी, अचानक से हनुमान जी आते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं,
और औरत पर चिल्लाते हैं। इस वीडियो में वो लोग इंडिविजुअल थे जो आगे जाकर रामायण का प्ले करते। जैसे कि फिर हेरा फेरी के सीन में ये लोग रामलीला के गेटअप में है, ना कि उनके कैरेक्टर में। रामलीला मंडली के इस सीन से कोई भी ऑफेंड नहीं होता। एक लाख की बख्शीश, इसका मतलब झोल बहुत बड़ा है, रुकते हैं। तो एक डिफरेंस है दोनों स्टोरीज में कि एक तरफ तो कैरेक्टर में घुसकर उसको भद्दा किया जा रहा है, दूसरी तरफ अभी तक कलाकार उस गेटअप में ही है, वो अपनी पर्सनैलिटी ही दिखा रहा है। अभी तक वो कैरेक्टर में घुसा नहीं है, उसकी शूटिंग शुरू हुई नहीं है, अभी वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जरूरत क्या थी इस क्लिप को बीच में डालने की। मैंने पूरी वीडियो देखी लेकिन इस वीडियो में कहां भी इस क्लिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अगर इस वीडियो से क्लिप गायब भी हो जाती तो वीडियो में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों बिना मतलब रिलीजन को इस वीडियो में डाला? ये मेरा एक सवाल है। अगर कॉन्ट्रोवर्सी पैदा के व्यूज लेने का मकसद होता तो समझ आता, लेकिन करेबिलिटी जैसे बड़े क्रिएटर को ये सब करने की जरूरत है भी नहीं। तो इस क्लिप को बीच में डालना मेरे हिसाब से गलत था। ऐसे ही किसी के रिलीजन को उठाकर उसका बेतुका सीक्वेंस बनाकर डालना एकदम सेंसलेस है, और इसी वजह से लोगों को ये पसंद भी नहीं आया और मुझे भी नहीं आया। मुझे तो ये समझ भी नहीं आया कि ये दिखाया ही क्यों जा रहा है। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत का जब नंबर वन क्रिएटर ये कर रहा है तो उसे देख करके छोटे क्रिएटर ऐसा नहीं करेंगे, वो भी ये प्लान जरूर यूज करेंगे, क्योंकि भारत का नंबर वन क्रिएटर जिस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को क्या मैसेज दे रहा है, लोग तो उसके लेवल तक पहुंचने के लिए वैसा ही करना ही चाहेंगे। ये तो कैबिनेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो छोटे क्रिएटर्स को एक डायरेक्शन दे। लेकिन अब छोटे क्रिएटर्स भी ये सीन देखकर अपनी वीडियो में डालना चाहेंगे कि चलो कैबिनेट ने डाला है तो चलो हम भी कॉपी करते हैं, और उस वीडियो में उस क्रिएटर का क्या इंटेंशन होगा ये देखने कैबिनेट तो नहीं आएंगे। क्या पता कोई क्रिएटर कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में व्यूज पाने के लिए रिलेटेड को बीच में घुसा दे। ओवरऑल हो सकता है ये इररिलेवेंट सेक्शन, ये सीन छोटे क्रिएटर्स को ऐसे सीन डालने के लिए बढ़ावा दे और मामला फिर बिगड़ जाए, क्योंकि ऐसे लोग जरूर होंगे जो आर्ट के नाम पर रिलेटेड को टारगेट करेंगे और फिर जब लोग उनको घेरेंगे, उनसे सवाल करेंगे, तब वो ये कहकर निकल जाएंगे कैरिमिनाटी भी तो ऐसा करता है, बाकी क्रिएटर्स भी तो ऐसा करता है, क्यों हमें ही बार बार टारगेट किया जाता है। अब एक और बात जो मुझे पसंद नहीं आई वो था इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, जिसमें श्री राम और अन्य भगवानों का जो गेटअप लिए लोग खड़े थे उनकी डिटेलिंग कुछ ऐसे हुई थी। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर 1 इक्वल्स टू अक्षय, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर 2 इक्वल टू डॉली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और मुझे ये चीज पसंद नहीं आई क्योंकि मेरे और इस देश के हिसाब से ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं है। श्री राम और रामायण ये हमारे पूर्वज है, हमारा इतिहास है, हम लोग इसमें बिलीव करते हैं, तो ये विदेशी इतिहासकारों की भाषा कैरेबिलिटी पर अच्छी नहीं लगती। सीधा लिखा जा सकता था कि श्री राम के गेटअप में है अक्षय, माँ सीता के गेटअप में है डॉली, इसी हिसाब से सबका नाम लिखा जा सकता था और यही सबसे सिंपल और करेक्ट वे होता। और एक और चीज जो हमें इस वीडियो में देखने को मिली कि जिस सेट पर अब रामायण की शूटिंग होने वाली थी उसी सेट पर पहले क्या क्या घटिया चीजें रखी गई थी, क्या क्या हरकतें हो चुकी थी, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स पहले वहां दिखाए गए थे, क्या रामायण की शूटिंग ऐसी जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर कैरिमिनाटी अपनी वीडियो से दिखाना चाहते हैं कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर गालियां, सॉफ्ट पोर्न, रोस्टिंग, वल्गैरिटी ये सब है, लेकिन YouTube पर ही लोग रामायण महाभारत भी देखते हैं, तो अगर ये प्लेटफॉर्म का डाइवर्स नेचर दिखा रहा है तो फिर ये मामला सही है। अगर ये एक मैसेज है कि YouTube पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर ये मेरी ओवर अजम्पशन है तो फिर सोचने का मामला है। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो भी हुआ वो कैरिमिनाटी ने इंटेंशनली नहीं किया है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं जैसे कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी, अग्रिमा जोशुआ, ये लोग ऐसी गलती करके भी मानते नहीं है, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। जब उनसे माफी मांगने की बात की जाती है तो वो उस बात को अपने ईगो पर ले लेते हैं। लेकिन कैरिमिनाटी ने ऐसा नहीं किया, जब उनके फैंस को ये चीज पसंद नहीं आई तो उन्होंने उस क्लिप को उस वीडियो से हटा दिया और इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी पर माफी मांगी। तो हम कह सकते हैं ये कुछ भी इंटेंशनली नहीं था। और जो लोग कैरिमिनाटी के खिलाफ लीगल एक्शन की बात कर रहे थे तो मैं उसका भी समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि जब भी भगवानों का अपमान होता है तो मैं खुद हमेशा उसके खिलाफ बोलता हूँ। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग भगवान का अपमान करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस मैटर में सजा वाली बात दिख नहीं रही है। दोस्तों इस मैटर में क्या गलती थी, कहाँ कैरिमिनाटी को टारगेट नहीं करना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि शायद आप मुझसे अग्री करेंगे। लेकिन अंत में मैं कहना चाहूंगा कि धर्म आज और हमेशा से भारत के लोगों के सबसे प्रिय चीजों में से एक है और कभी भी किसी की आस्था से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।